टॉपिक है हमारा यूरो करेंसी। ये नया टॉपिक है, छोटा सा ही है, आगे इसको और डीप में पढ़ेंगे, लेकिन आज थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट और क्या होता है यूरो करेंसी और क्या होती है यूरो करेंसी मार्केट, उसके बारे में बेसिक देख लेते हैं। तो अभी नाम से ही पता चल रहा है आपको यूरो करेंसी, तो कुछ कोई कंट्री को, मतलब ये नाम सुन के ऐसा लगता है कि ये कोई कंट्री को बिलोंग करता है। यस, यूरो करेंसी कौन सी कंट्री को बिलोंग करता होगा? यूरो करेंसी का नाम सुनते हैं तो कौन सा? यस, यूरोप का, है ना? लेकिन ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, यूरो करेंसी अलग ही होता है। हाँ, यूरोप का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यूरोप का इन्वॉल्वमेंट हर ट्रांजैक्शन में हो। तो यूरो करेंसी का मतलब क्या होता है, मैं पढ़ता हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो दिया है, यूरो करेंसी इज़ द अमाउंट ऑफ करेंसी डिपॉजिटेड बाय एनी नेशनल गवर्नमेंट और कंपनीज आउटसाइड ऑफ इट्स डोमेस्टिक मार्केट होम। मतलब कोई भी कंट्री, अभी जैसे इंडिया है, इंडिया की गवर्नमेंट या इंडिया की कोई कंपनी है, उनके पास रुपया है, रुपीज़ है, क्योंकि इंडिया में रुपीज़ चलता है, तो इंडिया का रुपीज़ वो इंडिया में डिपॉजिट ना करते हुए कहीं बाहर के देश में जाके डिपॉजिट करते हैं, कोई भी कंट्री में। ऐसा ज़रूरी नहीं कोई स्पेसिफिक कंट्री हो, कोई एक कंट्री में जाके डिपॉजिट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ वाली रिलायंस इंडस्ट्री है, या कोई भी इंडस्ट्री ले लो, कोई भी कंपनी ले लो, वो यहाँ का रुपीज़ लेके यूएस में जाके डिपॉजिट करती है, तो उसको हम लोग यूरो करेंसी बोलेंगे। तो अब हमारा इंडिया है और हम लोग ने डिपॉजिट कहाँ पे जाके किया? यूएस में किया, तो ना इंडिया यूरोप में आता है ना यूएस से यूरोप में आता है, लेकिन तो भी उसको यूरो करेंसी बोलेंगे। तो यूरो करेंसी का मतलब होता है अपनी करेंसी को कहीं हम दूसरे कंट्री में जाके डिपॉजिट करके रखें, तो उसको बोलते हैं यूरो करेंसी। आया समझ में? अभी देखो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, इफ़ इंडिया हेल्ड देयर करेंसी रुपी इन बैंक्स विच आर लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द कंट्री दैट इज़ इंडिया इज़ कॉल्ड यूरो करेंसी। तो अगर इंडिया वाले या इंडिया अपना रुपी को कोई और बैंक में रखता है और वो बैंक इंडिया में ना होते हुए कहीं बाहर के देश में है, तो उसको यूरो करेंसी कहेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था। दूसरा देखो क्या है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द टर्म यूरो करेंसी अप्लाइज टू एनी कंट्रीज़ करेंसी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यूरोप को ही बिलोंग करेगा, ये कोई भी कंट्री के करेंसी को अप्लाई होगा। हैविंग यूरो डजंट मीन दैट ट्रांजैक्शन हैज़ टू इन्वॉल्व यूरोपियन कंट्री। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यूरो करेंसी का नाम है तो यूरोप की जो भी कंट्रीज़ होंगी उनको ये बिलोंग करेगा। जैसे एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, यूएस डॉलर हेल्ड इन ऑस्ट्रेलियन बैंक वुड ऑल्सो भी कंसिडर्ड एज यूरो करेंसी। तो यूएस डॉलर यूएस से है और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया पता है आपको अलग ही है, तो दोनों कंट्री अलग है, दोनों की करेंसी अलग है, लेकिन यूएस वाला अपना डॉलर लेके जाके ऑस्ट्रेलिया के कोई बैंक में डिपॉजिट करके रखता है, तो उसको भी यूरो करेंसी कहेंगे। तो समझ में आ रहा है? तो यूरो करेंसी का मतलब ऐसा मत समझना कि यूरोप की कोई कंट्री से करेंसी का बिलोंग करता है, नहीं, कोई भी करेंसी उसकी उस कंट्री में ना होते हुए दूसरे कंट्री में डिपॉजिट मेंटेन करते हैं, उसको बोलते हैं यूरो करेंसी। आ रहा है ना समझ में? तो ये नया कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट देखो क्या दिया है, यूरो करेंसी इज नथिंग बट होम कंट्रीज करेंसी डिपॉजिट। तो यूरो करेंसी कुछ और नहीं है, ये अपनी कंट्री की करेंसी हम लोग डिपॉजिट करते हैं। कहाँ डिपॉजिट करते हैं? हेल्ड इन ए बैंक। डिपॉजिट कहाँ होता है? बैंक में होता है। और बैंक कहाँ होता है? आउटसाइड ऑफ द होम कंट्री। तो इंडिया का पैसा इंडिया में ना रखते हुए हम लोग कहाँ पे रखेंगे? इंडिया का पैसा इंडिया में ना रखते हुए अगर हम लोग बाहर के किसी बैंक में जाके डिपॉजिट करें तो उसको यूरो करेंसी कहा जाएगा। तो डिपॉजिट ऑफ यूएस डॉलर हेल्ड इन बैंक इन चाइना, अगर हम लोग ने डॉलर को चाइना में डिपॉजिट किया तो वो भी यूरो करेंसी में काउंट हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट यूरो करेंसी। तो समझ में आया ये टॉपिक, यूरो करेंसी क्या होता है? अपनी कंट्री की करेंसी को अगर हम लोग कोई दूसरे कंट्री के बैंक में डिपॉजिट करके रखे तो उसको यूरो करेंसी बोलते हैं। तो नाम से घबराने का नहीं कि यूरो लिखा है तो यूरोप का, नो,
कोई भी करेंसी अगर उस कंट्री, जो करेंसी जिस कंट्री को बिलोंग करता है वो कंट्री में ना रखते हुए कोई और कंट्री में जाके रखे किसी बैंक में, तो उसको बोलते हैं यूरो करेंसी। अब हम लोग देखेंगे यूरो करेंसी मार्केट। अब ये मार्केट क्या होता है? मार्केट मतलब क्या? सिंपल मार्केट मतलब क्या? यस, मार्केट मतलब क्या होता है? नहीं वो छोड़ दो, वो बात की बात है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी, वो नॉर्मल मार्केट मैं बोलता हूँ। आप लोग भी घर पे रहते हो, आप लोग बोलते हो हाँ हम लोग को मार्केट में जाना है। मार्केट मतलब क्या? मार्केट मतलब एक जगह होता है जहाँ पे चीज़ों को, आपने बोला राइट है, लेकिन जहाँ पे चीज़ों को खरीदा और बेचा जाता है, बराबर है कि नहीं है? अब मैं आपको बोलूँगा स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी जो आपने लिखा है। तो ऐसे ही यूरो करेंसी मार्केट है। तो यूरो करेंसी मार्केट मतलब एक जगह होता है जहाँ पे आप जो करेंसी है उसको डिपॉजिट रखते हैं। तो कोई स्पेसिफिक जगह नहीं होती है। अभी आप लोग बोलेंगे कि हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो यहाँ का जो बाज़ार बैठता है हर सैटरडे को तो मार्केट हो गया। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक मार्केट नहीं है यूरो करेंसी का। यूरो करेंसी एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा अरेंजमेंट है जहाँ पे भी आपने अपने करेंसी का डिपॉजिट रखा, दैट वुड बी योर यूरो करेंसी मार्केट। तो देखो यहाँ पे दिया है, यूरो करेंसी मार्केट इज़ द मनी मार्केट फॉर डोमेस्टिक करेंसी आउटसाइड ऑफ द कंट्री वेयर इट इज़ ए लीगल टेंडर। इसका मतलब ये होता है कि जिस करेंसी, मतलब जैसे इंडिया है, तो इंडिया की डोमेस्टिक करेंसी कौन सी? रुपीज़ है। तो रुपीस को इंडिया में ना रखते हुए हम लोग कहीं बाहर के देश में उसको रखेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड यूरो करेंसी मार्केट। तो एग्जांपल के तौर पे मैं इंडिया वाला, इंडिया का रुपी इंडिया में ना रखते हुए मैं उसको रखूँगा यूएस में, तो यूएस क्या हो जाएगा मेरे लिए? यूरो करेंसी मार्केट हो जाएगा। तो मार्केट बोला तो एक स्पेसिफिक फिक्स्ड जगह नहीं है। अभी वैसे आप बोलते हो मार्केट, तो मार्केट एक जगह होता है, मच्छी मार्केट हो गया, फिर भाजी मार्केट हो गया, तो वो एक स्पेसिफिक जगह है ना। तो इसका कोई स्पेसिफिक जगह नहीं होता है, जहाँ पे भी आप रखोगे। आप यूएस में रखा तो यूएस वुड बी द यूरो करेंसी मार्केट, आपने कनाडा में रखा तो कनाडा वुड बी द यूरो करेंसी मार्केट। जहाँ आप रखोगे अपना पैसा डिपॉजिट वो आपका यूरो करेंसी मार्केट बन जाएगा। आ रहा है समझ में? यस। नेक्स्ट देखो, द यूरो करेंसी मार्केट इज़ यूटिलाइज बाय बैंक। कौन यूटिलाइज करता है? अभी आप मैं हो, हम लोग रोज़ का खाने कमाने वाले हैं राइट। तो हम लोग थोड़ी इंडिया का रुपीस जाके बाहर के देशों में रखेंगे, हम लोग को तो बाहर जाने के भी पैसे नहीं, इतना भी नहीं है राइट। तो ये कौन कौन यूज़ करता है इस मार्केट को? इज़ यूटिलाइज बाय बैंक्स, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जिसका मतलब एक कंट्री से ज़्यादा कंट्री में अपना बिजनेस करती है, म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, टू अवॉइड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ देयर डोमेस्टिक कंट्रीज। अभी आपने ये सुना होगा, बीच में ना एक वो आया था पनामा पेपर्स करके, आपने सुना था, न्यूज़ में बहुत था, सब लोग ने पनामा में जाके अपना पैसा है ना ब्लैक मनी करके होल्ड करके रखा है, पनामा पेपर्स, सुना है नाम? नहीं, चलो ठीक है, ब्लैक मनी का तो नाम सुना है ना। इन शॉर्ट पूरा ब्लैक मनी नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन इन लोग क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो इंडिया, अभी देखो आप इंडिया में ही ले लो, इंडिया में लोग इतना पैसा कमाते हैं लेकिन बाहर जाके उन लोग इन्वेस्ट करके रखते हैं। तो क्यों इन्वेस्ट करके रखते हैं? इन ऑर्डर टू अवॉइड अवॉइड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ देयर डोमेस्टिक कंट्रीज। ये जो यूरो करेंसी मार्केट हुआ है ये उनके कंट्री में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है ज़्यादा पैसे रखने पे, ज़्यादा टैक्स होता है, तो उससे बचने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, बड़ी बड़ी बैंक पैसा उस कंट्री में ना रखते हुए वो पैसा दूसरी कंट्री में जाके रखते हैं जहाँ पे टैक्स वैक्स थोड़ा कम हो, जहाँ पे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट थोड़ा कम हो। इसके लिए यूरो करेंसी मार्केट यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर वही कंट्री में रखेंगे तो अब इंडिया में आप ज़्यादा पैसा रखोगे तो समझो 40% टैक्स है, लेकिन वही पैसा अगर आप किसी बाहर के देश में रखते हो तो वहाँ पे 10% टैक्स है, तो वहाँ पे रखना अच्छा है ना, क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ 10% टैक्स ही देना पड़ेगा और यहाँ पे तो 30-40% है।
तो अपने को लॉस होगा ना। तो ये सब रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को अवॉइड करने के लिए यूरो करेंसी मार्केट यूटिलाइज करते हैं बैंक्स, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, इन्वेस्टमेंट कंपनी, कि हम इन चीज़ से बच जाए और हमारा पैसा टैक्स में ज़्यादा ना जाए, इसलिए यूरो करेंसी मार्केट यूज़ होता है। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, यूरो करेंसी मार्केट नॉट ओनली ऑपरेट्स इन यूरोप। देखो अभी ये सबसे पहले, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग को नाम से ही लगता है कि यूरो है तो यूरोप है। तो ये मार्केट नॉट ओनली ऑपरेट्स इन यूरोप, मतलब यूरोप में तो ऑपरेट करेगी करेगी, लेकिन बट ऑल्सो इन मैनी फाइनेंशियल सेंटर अराउंड द ग्लोब। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि यूरोप में ही ये एक्टिव है, यूरोप के अलावा और भी बड़ी बड़ी जो फाइनेंशियल सेंटर है पूरे वर्ल्ड में, जहाँ जहाँ पे भी है ये यूरो करेंसी मार्केट, वहाँ वहाँ पे सिचुएटेड है। तो आप US चले जाओ, चाइना चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, जापान चले जाओ, कहीं और साउथ अफ्रीका चले जाओ, ये सब की सब जगह पे यूरो करेंसी मार्केट आपको मिलेगा। तो यूरो करेंसी और यूरो करेंसी मार्केट वही होता है कि अपनी कंट्री में पैसा ना रखते हुए हम वो पैसा दूसरे कंट्री की बैंक में डिपॉजिट करते हैं, उसको यूरो करेंसी कहा जाता है। और जहाँ पे ये बैंक में हम डिपॉजिट करते हैं, दैट वुड बी योर यूरो करेंसी मार्केट। और ये सब इंडिविजुअल लोग यूज़ नहीं करते, ये कौन कौन यूज़ करते हैं? बैंक यूज़ करती है, गवर्नमेंट यूज़ करती है, बड़े बड़े कंपनीज़ यूज़ करते हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनी यूज़ करती है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को अवॉइड करने के लिए। आया समझ में? समझा कि नहीं समझा? तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर यूरो करेंसी एंड यूरो करेंसी मार्केट।